नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की फोन पर बात। तो वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर लेंगे, कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए विधायक ने बीजेपी के खोले कई बड़े राज, अमित शाह से लेकर कई बड़े नेता फंसे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे दोस्तों, सिर्फ 48 घंटे का इंतजार, एनसीपी संघ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है शिवसेना। और भी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार बनाने को लेकर गतिरोध बरकरार, उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की फोन पर चर्चा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार बनाने को लेकर जारी खींचतान अभी क्या रूप लेगी, इसे लेकर संशय बरकरार है। बीजेपी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई समझौता करने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के एनसीपी से संपर्क ने राज्य में राजनीतिक हलचल को और भी दिलचस्प बना दिया है। इन सब के बीच खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की है। अहम यह भी है कि महाराष्ट्र में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो रहा है, इससे पहले एक नई सरकार का बन जाना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य राष्ट्रपति शासन की दिशा में पड़ जाएगा। शरद पवार से मिले संजय राउत। जी हां दोस्तों, तमाम अटकलों के बीच पिछले एक हफ्ते में कम से कम दो बार संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार से मिल चुके हैं। संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि वह राज्य और देश के एक वरिष्ठ नेता हैं, वह महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक हालात से चिंतित हैं, ये कहा है संजय राउत ने। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह बड़ी खबर निकल के आई कि सरकार बनाने को लेकर गतिरोध बरकरार, उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से की है फोन पर चर्चा, तो वहीं संजय राउत ने मुलाकात की है शरद पवार से। आइए दोस्तों अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र सत्ता का नया फॉर्मूला, ठाकरे सीएम, पवार किंग मेकर तो रिंग मास्टर कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उठा पटक जारी है। सूत्रों के मुताबिक कई कांग्रेसी विधायक भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के पक्ष में है। कांग्रेसी विधायकों का कहना है कि हमें शिवसेना और एनसीपी की सरकार का बाहर से समर्थन करना चाहिए और स्पीकर के पद पर दावा करना चाहिए। कांग्रेस विधायकों के इस फॉर्मूले के बीच महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको दोस्तों बता दें, मुंबई पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करके ये तमाम चर्चा की है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह बड़ी खबर निकल के आई, सत्ता का नया फॉर्मूला सामने निकलकर आया है। ठाकरे सीएम और शरद पवार किंग मेकर तो रिंग मास्टर कांग्रेस। तो दोस्तों देख सकते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में आया है नया ट्विस्ट। शिवसेना के नेतृत्व में सरकार चाहते हैं कांग्रेसी विधायक। आइए दोस्तों अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। कर्नाटक, येदुरप्पा ने मुझे दिए 1000 करोड़ रुपए, आयोग करार दिए गए विधायक का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें क्या कुछ है पूरा मामला। कर्नाटक के आयोग करार दिए गए विधायक ने खोले कई राज, बोले येदुरप्पा को समर्थन करने के लिए मुझे मिले 1000 करोड़ रुपए। जहां एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री को और अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी हुआ है सख्त। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार गिराने के लिए विधायकों की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त की थी, जो कि सारे राज अब एक एक करके खुल रहे हैं। तो दोस्तों यह बड़ी खबर निकल के, जहां पर देख सकते हैं कि आयोग करार दिए गए विधायक का दावा है कि येदुरप्पा ने मुझे दिए 1000 करोड़ रुपए और कहा कि मुझे समर्थन कीजिए, यह दावा किया है आयोग करार दिए गए विधायक ने। बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, इस खबर को लेकर के जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों अब आपको अगली अपडेट बताते हैं।
महाराष्ट्र सिर्फ 48 घंटे का और इंतजार, फिर एनसीपी संघ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है शिवसेना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि शिवसेना ने अब सरकार बनाने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे अगले 48 घंटे तक ही बीजेपी का इंतजार करेंगे, इसके बाद वह एनसीपी के साथ सरकार बनाने की पेशकश कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को दोस्तों बता दें, उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार शरद पवार के संपर्क में हैं। एनसीपी ने रखी है यह शर्त। आप लोगों को बता दें, जानकारी के मुताबिक एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह शिवसेना के साथ आ सकती है। हालांकि इसके लिए उसने एक शर्त भी रखी है। एनसीपी ने कहा है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ अपने सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे और गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने केंद्रीय कैबिनेट से शिवसेना के एकमात्र मंत्री अरविंद सावंत के इस्तीफे की भी शर्त रखी है। तो दोस्तों ये मांग है एनसीपी की और ये शर्त रखी है। कहा है कि ये जब सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तभी वह शिवसेना को अपना समर्थन करेंगे। आइए दोस्तों अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र एक्शन में उद्धव ठाकरे, मातोश्री में शिवसेना विधायकों की बुलाई आपात बैठक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें महाराष्ट्र में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस बीच राज्य की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। ये बैठक उनके आवास मातोश्री पर होगी। आप लोगों को दोस्तों बता दें, राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा भी कुछ निर्दलीय विधायकों ने शिवसेना को समर्थन दिया है, क्योंकि अभी तक सरकार को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के आवास पर शिवसेना विधायकों की इस बैठक पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई एक बड़ा फैसला सामने निकलकर आ सकता है। तो वहीं दोस्तों एक बार फिर संजय राउत ने इस बात को दोहराया है कि उनकी पार्टी 50-50 फॉर्मूले से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी और कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा। ये कहना है एक बार फिर से संजय राउत का। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के जहां पर देख सकते हैं एक्शन में आ गए हैं उद्धव ठाकरे, मातोश्री में शिवसेना विधायकों की बुलाई बैठक। आइए दोस्तों अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। हरियाणा दलितों के बहिष्कार के आरोपों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खट्टर सरकार को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के बहिष्कार के आरोपों पर हरियाणा की खट्टर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हिसार के भाटला गांव में 2 साल के लिए दलितों के बहिष्कार के आरोपों पर शीर्ष अदालत ने प्रदेश सरकार की खिंचाई कर डाली। अदालत ने राज्य को 8 नवंबर तक एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, ताकि यह ज्ञात हो सके कि संबंधित मामले में प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। 3 न्यायाधीशों वाली पीठ के प्रमुख जस्टिस एनवी रमना ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा, सामाजिक बहिष्कार हो रहा था, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, बहिष्कार जारी है, यह क्या हो रहा है। जस्टिस आज सुभाष रेड्डी और बीआर गवाई की पीठ ने भी इस मुद्दे को गंभीर करार दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में जांच कर रहे संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे 8 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में तमाम रिकॉर्ड के साथ मौजूद रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई हरियाणा से, जहां पर दलितों के बहिष्कार के आरोपों पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट, खट्टर सरकार को लगाई है कड़ी फटकार। आइए दोस्तों अब आपको अगली लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र का महाभारत, शिवसेना नेता संजय राउत क्यों कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन का जिक्र। आइए हम आपको दोस्तों बताते हैं, शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि अब वक्त खराब करने से कोई फायदा नहीं है, अब ना तो कोई नया प्रस्ताव आएगा और ना ही जाएगा। चुनावों से पहले जिस एक लाइन पर गठबंधन हुआ था अब सिर्फ उसी पर बात होगी। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि कोई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन थोपने की साजिश कर रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय होगा। राउत बोले, अगर ऐसा हुआ तो जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। आप लोगों को दोस्तों बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि चुनावों से पहले सीएम पद को लेकर गठबंधन हुआ था, उसी लाइन को हम आज भी दोहरा रहे हैं,
तो हमने नया क्या कह दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग महाराष्ट्र के लिए कुछ और ही साजिश रच रहे हैं। वो लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की साजिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये भी सच है कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी और इस सब के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये कहना है संजय राउत का दोस्तों। तो दोस्तों ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों को बताई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक खबरें जरूर पहुंचाइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।